जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों बने रहे, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन। तो दोस्तों क्वेश्चन एक में, एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 4 किलोमीटर प्रति घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला ट्रेन समान दिशा में चल रहा है, और वह उन्हें क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पास कर देती है। तो ट्रेन की लंबाई और गति ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों कि स्पीड यानी S1 × T1 यानी पहला का स्पीड दूसरा का सेकेंड, पहला का सेकेंड और दूसरा का स्पीड इंटू दूसरा का सेकेंड, ठीक है। तो जिसमें से पहला का मान लेते हैं एक्स स्पीड दोस्तों, और दिया हुआ 2 किलोमीटर प्रति घंटा 2 किलोमीटर ले लेंगे, और इसका समय दिया हुआ 9 सेकेंड, ठीक है। फिर इसको एक्स मान लेते हैं और 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो 4 घट जाएगा, और इसका दिया हुआ दोस्तों 9 10 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हल करना है, इससे इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 × 18 हो जाएगा, 10 को x से मल्टीपल करेंगे 10x हो जाएगा, 10 को 4 से मल्टीपल करेंगे 40 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो 10 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -1x होगा। इस यहाँ कितना दिया हुआ है ना, -40, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा +18। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस घटाना है तो कितना हो जाएगा ना 2, और यहाँ 3 में 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहेगा ही। अब यही माइनस यहाँ नीचे आ जाएगा -1, माइनस माइनस कर गया तो एक्स का मान जो हो गया वह 22 किलोमीटर पर घंटा, और यही इसका 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। अब निकालना क्या है, तो इसमें चाल निकला है पाला, ठीक है। गति अब निकालना है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है ना, निकालना है दूरी, तो क्या दिया हुआ दोस्तों ना एक्स, एक्स का मान कितना आया ना 22, तो 22 में 2 घटाना है तो कितना हो जाएगा ना 20 × 9, ठीक है। अब किलोमीटर प्रति घंटा है तो बड़ा से छोटा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, छोटा से गुना करना पड़ता है, तो 5/18 हो जाएगा। इससे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 2 से भागा देंगे यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10×50 मीटर हो जाएगा इसका दूरी का ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ना ए। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बाय रूल्स फॉलो करके, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि स्पीड जो रहता है समान दिशा में पार करता है तो क्या घटेगा इसका, ठीक है। तो जो पहला हम नहीं पता था गति क्या होगा, तो एक्स मान लिए और उसमें पहला घटा दिए और समय भी दिया हुआ था, फिर एक्स माने उसमें 4 घटा दिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 10 सेकंड दिया हुआ था, इसको हल करने पर एक्स का मान आ गया। तो एक्स का जो मान निकला हुआ क्या निकला ना, चाल निकला, ठीक है, गति। तो दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ना, चाल गुना समय, और मीटर सेकंड में, मीटर में चाहिए था इसलिए 5/18 से गुना किए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दो दोस्तों, त्रिकोण के भुजा क्रमशः 16 मीटर 12 मीटर और 20 मीटर है, इसके सबसे लंबे भुजे की लंबाई निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं दोस्तों ना त्रिकोण, तो त्रिकोण मतलब त्रिभुजा, इसको मान लिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है दोस्तों ना, मान लेते हैं 20, ये हो गया 12 और ये 16, ठीक है। तो ये निकालना है दोस्तों, ये तो लिखेंगे ना कर्ण पर डाला गया लंब का फॉर्मूला होगा दोस्तों, आधार गुना बाय कर्ण, ये फॉर्मूला होगा दोस्तों, ठीक है। तो आधार कितना दिया हुआ है ना 16, लिखेंगे 16, और लंब, इसको लंब बोलते हैं, ये कितना दिया हुआ दोस्तों ना 12, तो लिखते हैं 12 बाय, नीचे वाला को इसको बोलते हैं कर्ण, कितना दिया हुआ है ना 20, तो 4×5=20 और 4×4=12, तो 16×48/5 हो जाएगा 48/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ना 9×45.6 जो होगा वह मीटर होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ना बी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला याद करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 संख्याओं का क्रमशः 8 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 6 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो 3 संख्या
ज्ञात कीजिए या निकालना दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं, बाय रूल्स से भी निकाल सकते हैं या तो ऑप्शन हिट से बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हिट होगा दोस्तों सबसे इजी, इसलिए हम लोग ऑप्शन हिट से ही बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन हिट से क्या होगा ना, सबसे इजी होगा बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन हिट में क्या होता है ना, सभी को चेक करना पड़ता है तब बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों ना, पहली तीन संख्याओं का और तीन संख्याओं का औसत 8 होना चाहिए, पहली तीन संख्या। तो मान लेते हैं ऑप्शन ये होगा, पहले इसको वेरीफाई करते हैं ये होगा कि नहीं। तो तीन संख्याओं का औसत तो 6 + 6 + 12, तो पहला रूल फॉलो करना है दोस्तों। तो 6 + 6 + 12 औसत मतलब 3 से भागा देना है, तो 12 और 6 = 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा, और 3 से भागा देंगे तो कितना होना चाहिए, 8, तो 8 आ गया दोस्तों, ठीक है। हम बता ना, तीन संख्याओं का औसत 8 होना चाहिए, तो 8 आ गया दोस्तों, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या दिया दोस्तों, पहली दो संख्याओं का औसत 6 है, तो पहली दो संख्या, तो इसको मान लेते हैं पहली दो संख्या औसत 6, यानी 6 + 6 / औसत मतलब 2 होता है, मतलब जितना संख्या बोल लिया जाए उतना नीचे लिखना पड़ता है। तो 6 और 6 कितना हो गया ना, 12, और भागा देंगे 2 से तो 6 आना चाहिए, तो 6 आ गया दोस्तों। तो दूसरा नियम भी फॉलो कर गया। अब क्या लिखा हुआ दोस्तों कि अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है, तो अंतिम दो संख्या, तो अंतिम दो संख्या सिर्फ यही वाला हो रहा है, तो 6 + 12 / 2 हो जाएगा, क्योंकि एक और एक दो संख्या है, तो 12 × 6 = 18 होगा, और 2 से भागा देंगे तो कितना आ गया ना, 9, तो 9 आ गया, ठीक है। तो जब 9 आ गया मतलब ये सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप ऑप्शन हिट से सबसे इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ने एक पेन को 140 में बेचने पर अनुराग को क्रमशः 1/7 की हानि होती है। यह है यदि पेन RS 189 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये निकालना दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन रहता है, तो सबसे पहले क्या करना है ना, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और लॉस करने के बाद क्या इसे लॉस लिखना है। अब क्या लिखा हुआ है ना, 1/7 की हानि होती है, तो कोई ऐसा संख्या लेना है जो कि 7 से कट जाए। तो पहले मान लेते हैं 7 में ही खरीदें और हानि हुआ 1/7 की हानि हुआ, हानि जो हुआ है एक कॉस्ट क्रय मूल्य का 1/7 हानि हुआ है, तो 1/7 कट जाएगा तो कितना होगा ना, 1 का हानि हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वह बेचा होगा 6 रुपये में, तब उसे 1 रुपये का हानि हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों दिया हुआ है कि एक पेन को क्रमशः 144 रुपये बेचने पर, यानी इतना का मान दिया हुआ दोस्तों ना 144। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो इससे इसको मल्टीपल करके निकाल लेते हैं, यहाँ x मानते हैं तो x को 6 से गुना करेंगे, तो 6 × x = 144 × 7। आप इससे काटेंगे 6 × 12 = 6×6 = 24, x का मान क्या हो जाएगा ना, 7 × 6 = 28 हो जाएगा, 7 × 14 = 15 = 16 = 167 हो जाएगा। लेकिन बेचने के बोला जा रहा है दोस्तों 189 में बेचने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें प्रॉफिट होगा क्योंकि कम में खरीद रहा है, ज़्यादा बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है दोस्तों ना SP - CP, तो SP का मान कितना है ना 189, माइनस CP का मान कितना है ना 168, कितना हो जाएगा ना 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 21 रुपया का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बाय का मतलब होता है कि CP को लेना नहीं चाहिए, तो 168 = 100। अब काटना है 7 से, तो 7 × 21 7 × 2 = 14 और 7 × 6 = 28 हो जाएगा। अब 4 से काट सकते हैं ना, 6 बार में यह जाएगा 25 बार दोस्तों। अब 3 से काटना है, तो 3 × 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा ना 25/2 भागा देंगे तो 12.5% का प्रॉफिट होगा, और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, नंबर जो होगा वह सी होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बाय रूल्स फॉर्मूला याद करके, ठीक है दोस्तों। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, उनका लॉस 75 है, तो 900 यानी SCF क्या होगा, ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो पहला संख्या दिया हुआ है और दूसरा संख्या ना 3 और 5 दिया हुआ है, इसका LCM क्या निकलेगा दोस्तों ना, LCM, तो इसका LCM निकलेगा 5 × 15, और 15 का मान दिया हुआ दोस्तों ना 75, अब 5 से काट सकते हैं 15 × 5 = 75, तो नंबर क्या हो जाएगा ना, 5 से 5 को गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना 15, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और इसी में SCF निकालना है। तो SCF क्या मतलब क्या होता है ना, हाई कॉमन फैक्टर, इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, तो 5 ही निकल सकता है, और यही इसका ऑप्शन होगा,
आंसर होगा, और इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों 90 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं 12 रूल्स फॉलो करके। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 15 को अगर 5 × 3 लिख सकते हैं और 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, तो हाई कॉमन फैक्टर में दोनों में जो मिलेगा तो यहाँ 5 और 5 मिल रहा है, इसलिए आंसर इसका 5 हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कॉमेंट्स एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।